आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन इज, हमें ये मॉलिक्यूल दिया गया है और इसका हमें IUPAC नेम बताना है, राइट? तो IUPAC नेम पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन। तो इस मॉलिक्यूल में हमारा किसी भी तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट? तो ये कम्प्लीटली हमारी एक एल्केन टाइप की चेन होगी, ठीक है? अब सेकेंड थिंग इज, हम करेंगे इसमें पेरेंट चेन का आइडेंटिफिकेशन, राइट? तो पेरेंट चेन जो होती है वो होती है हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो हमारी इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो बन सकती है वो बनेगी कुछ इस तरीके से, जो कि होगी हमारी 7 कार्बन एटम की चेन, राइट? अब क्या है कि हमने जब पेरेंट चेन हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम करते हैं नंबरिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। और नंबरिंग हम इस तरीके से करते हैं कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन मिल सके, ठीक है? तो अब इस पेरेंट चेन में हमारी दो तरह से नंबरिंग पॉसिबल है। या तो हम लेफ्ट साइड से करें तो हमें नंबर्स देंगे हम इस तरीके से 6 और 7। तो हमारा एक मिथाइल ग्रुप आया 3 पोजीशन पे, 2 मिथाइल ग्रुप आए 4 पोजीशन पे और 1 मिथाइल ग्रुप आया 5 पोजीशन पे, राइट? ये हुई हमारी लेफ्ट साइड से नंबरिंग। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, राइट? तो हमारा एक मिथाइल ग्रुप आएगा 3rd पोजीशन पे, 2 मिथाइल ग्रुप आएंगे 4 पोजीशन पे और 1 मिथाइल ग्रुप आएगा 5th पोजीशन पे। तो हम देखें बेसिकली हमारी ये दोनों नंबरिंग जो है वो इक्विवेलेंट हैं, राइट? तो हमारी ये दोनों नंबरिंग जो है वो बेसिकली इक्विवेलेंट है, हम इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये जो मॉलिक्यूल हुआ वो बेसिकली एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ, राइट? तो हम किस साइड से नंबरिंग करें हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा मेन काम क्या बचा है, इसकी नेमिंग करना, राइट? तो नेम करने के लिए टोटल कार्बन आइटम्स कितने हैं, 7। और 7 के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो होता है हैप्ट। और हमारी पेरेंट चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ये एल्केन टाइप का चेन है। और एल्केन के लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है एन। तो हमारी पेरेंट चेन हुई हेप्टेन, राइट? अब हमें क्या करना है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बतानी है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन हमने लिखी है इस तरीके से, हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स हैं 4 जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो हम 4 के लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है टेट्रा, राइट? तो हम इसको लिखेंगे टेट्रा मिथाइल, क्योंकि हमारे पास 4 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो इस पेरेंट चेन पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। अब हमें इन चारों मिथाइल ग्रुप की पोजीशन बतानी होगी। तो पोजीशन क्या है हमारी, 3, 4, 4 और 5, मतलब एक मिथाइल ग्रुप 3rd पोजीशन पे, एक मिथाइल ग्रुप 5th पोजीशन पे और 2 मिथाइल ग्रुप हमारी 4th पोजीशन पे। सो दिस विल बी द फाइनल IUPAC नेम फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।